या बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम। नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचं मत AIMIMचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी मांडले। यावेळी ते म्हणतात की नोटबंदीवरून सुप्रीम कोर्टाने केलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही, आम्ही आदराने या निर्णयाशी असहमती दर्शवतो। सरकार नोटबंदीचा दिवस का साजरा करत नाही, तो दिवस हे साजरा करायला हवा। नोटबंदीच्या आधी भारताचा GDP हा 8.3% इतका होता, तर तो आता घसरून 4% आलाय। समेत शिखरजी तीर्थक्षेत्राला पर्यटन स्थळांचा दर्जा काढण्यात यावा। आम्ही जैन धर्मियांसोबत आहोत, प्रत्येक समाजाची एक आस्था असते। आम्ही आज पण बाळासाहेब आंबेडकरांचा आदरच करतो, त्यांनी कोणासोबत युती करावी हा निर्णय त्यांचा आहे। त्याचबरोबर ओवैसींनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावरून होत असलेल्या वादावर बोलणं टाळलं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, पर हम उससे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं। क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे कि उसका पर्पस हमारे को मतलब नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, तो हम इसको क्यों बोलते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के खिलाफ ये फैसला लिया, 100 लोग मर गए, अब उस क्यों मरे वो लोग। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में हमारे देश में कितना करेंसी है, 32.18 लाख करेंसी अभी है, उस वक्त क्या कहा कितना था, 17.97 लाख करोड़ था, तो अभी डबल कैसा हो गया था, डबल क्यों हुआ, इसका जवाब सरकार दे। और अगर आप लोग जो मोदी सरकार की ताईद में इतना हारमोनियम बजा रहे हैं, तो आप मोदी सरकार को बोलिए ना कि डिमोनेटाइजेशन डे दिवस मनाओ। दिवस क्यों नहीं मनाते भाई, हर जगह पर ठंडी लेकर नाचना चाहिए भाजपा के लोगों को। और इस दिन तो 500 की नोट चले गई। तीसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, हंसते हुए कहा था कि शादी हो रही है, पैसे नहीं है, गरीब तड़प तड़प कर मर रहा था। और चौथी बात यह है कि नोटबंदी से पहले GDP कितना था भारत का, भारत का GDP था 8.3%, 2019-20 को आते आते 4% हो गया। क्यों हुआ भाई, जब आप इसका जिम्मेदार भारत सरकार पे नहीं है क्या? और मैन्युफैक्चरिंग शेयर GDP में कितना था, 16% था जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, आज कितना है, 13% है। अब मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जॉब्स जो आधे हो गए, 5.1 करोड़ 2016 में था जो नोटबंदी हुई, अब जाकर 2.7 करोड़ हो गया।
आप बजाओ बीजेपी वालों नोटबंदी का बाजा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो नोटबंदी का फैसला था वो भारत के गरीब जनता पर और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर ये अटैक था और ये वॉयलेशन है राइट टू प्रॉपर्टी जो भारत के संविधान में आर्टिकल 300A है, ये हमारा मानना है। और ये बोला गया कि टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। आप परसों ही देखें जम्मू में 5 लोगों का आतंकवादी उनका मर्डर कर दिए। हम उसका कंडेम करते तो हर एतबार से डिमोनेटाइजेशन एक गलत फैसला था। सम्मेलन शिखर जी जो जैन लोगों का एक धर्मस्थल, बिल्कुल हम उनके साथ है। किसी भी समुदाय का रिलीजियस प्लेस में आप इस तरह से जो हिंदी का वर्ड पवित्र काम नहीं कर सकते, उनकी उसमें आस्था होती है। तो जो बीजेपी सरकार ने झारखंड में जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने जो फैसला लिया था उसको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि वो झारखंड की मौजूदा सरकार, उस बीजेपी जब सत्ता में थी उस फैसले को फौरन वापस लिया जाए। और दूसरा ये है कि गुजरात में जो जैन मंदिर पर जो वहाँ पर वेंडलाइजेशन हुआ, बदतमीज़ी हुई, बीजेपी की सरकार गुजरात में उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके पुराने साथी थे, छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आपके कट्टर विपक्ष पार्टी जो थी शिवसेना उनके साथ चल रहे? नहीं, उनका फैसला है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो उनके साथ थे, हम आज भी बाड़ा साहब की इज्जत करते हैं और हम तो ये चाह रहे थे कि उस वक्त एक सोशल जस्टिस के नाम पर एक सही तरीके से वंचित समाज को इंसाफ मिले, उनको ताकत मिले। अब वो ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं तो वो तो उनका फैसला, हम क्या कर सकते, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, वो उनका फैसला है। मगर जहाँ तक हमारा मानना है, शिवसेना हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। शिवसेना आज भी फख्र करती है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर, और शिवसेना का रोल कोई नहीं भूल सकता जो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वो उनका फैसला है। आप उनसे पूछ सकते, मैं कैसा कुछ बोलूँगा उसको। आपके जो नेता है, बोलिए, पूछिए। नोटबंदी का भी जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को वैलिड बोला है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब हुआ था ये, आपने बहुत ज़्यादा टीका भी की थी सरकार पे। देखिए, अब आप मेरे को मेरा नोट खोलने दीजिए। आप ऐसा, आपके इम्तियाज साहब बोले कुछ और पूछेंगे आप, तो वो भी है। हाँ, वो भी है ना। चलो, मतलब थोड़ा सवाल जवाब लंबा होगा नोटबंदी पे। आप लोगों को मैंने नहीं मालूम कितना आप लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर एक पॉलिटिकल सियासत चली है। संभाजी महाराज धर्मवीर थे या नहीं थे इसको लेकर, और वो मुद्दे में औरंगजेब को भी घसीटा गया कि औरंगजेब बड़े क्रूर थे। तो ये सारी सियासत के मुद्दे हैं। एक पक्ष का ऐसा, एक पक्ष का ऐसा, दिन ऐसे क्यों घसीट रहे हो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए ना मेरे को। अब आप क्या करना चाह रहे हैं मैं जानता हूँ। आप अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं आप, ऐसा मेरे को नहीं घसीटना चाहिए आपको। अभी आप घसीटो ना, ये पूरा सत्ता में जो लोग थे और है उनको पूछो। दूसरा सवाल है कि इम्तियाज जलील ओबीसी समाज है, उनको आवाज़ दे रहे हैं उनके साथ आने के लिए। पंकज मुंडे जो बड़ी नेता है उनको कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ में मेरी आवाज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। आप ओबीसी लोगों के साथ जाने के लिए? बिल्कुल। अरे, हमारा पार्टी का एमपी है, हमारा प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र का, उन्हें जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सही बात है। आपकी राय क्या है इसके पीछे? मेरी राय इम्तियाज जलील साहब से राय से कैसे अलग हो सकती है? आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? लेकिन धोरण क्या है इसके पीछे का, किस तरह से हम बैठे हैं, हमें खड़े हैं ना, डिटेल में जवाब देंगे आप। अरे, आप तो आपके आज आपसे जवाब चाहिए। अरे नहीं भाई, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है, वो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। आपका सर, जो मसले है महाराष्ट्र में उसको दरकिनार करने के लिए मसले, महाराष्ट्र में मसला किसानों का है सर। कैमरा महाराष्ट्र में मसला सबसे बड़ा किसानों का मसला है, महाराष्ट्र में मसला बेरोजगारी का है, महंगाई का है। हाँ, औरंगाबाद में पीने का पानी का मसला है,
और यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ को क़ायम करने का मसला है, तब ये बोल रहे हैं कर रहे हैं। एक जेपी नड्डा जी की सभा हुई है औरंगाबाद में। शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सच्चाई बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। कौन? हाँ, आप सच बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू। बस बस, ओबीसी समाज है उनको आवाज़ दे रहे हैं उनके साथ आने के लिए। पंकजा मुंडे जो बड़ी नेता है उनको कह रहे हैं कि उम्तियाज जलील साहब की आवाज़ में मेरी आवाज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। आप ओबीसी लोगों के साथ जाने के लिए? बिल्कुल, अरे हमारा पार्टी का एमपी है, हमारा प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र का, उन्हें जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सही बात है। आपकी राय क्या है इसके पीछे? मेरी राय इम्तियाज जलील साहब से राय से कैसे अलग हो सकती है? आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? लेकिन धोरण क्या है इसके पीछे का, किस तरह से? हम बैठे हैं, सामने खड़े हैं ना, डिटेल में जवाब देंगे आप। अरे आप तो आपके आज आपसे जवाब चाहिए। अरे नहीं भाई, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है, वो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और मेरा सवाल, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सच्चाई बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। कौन? हाँ, आप सच बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू। बस बस, गिफ्ट तरफे खास दसरा धम्मा का ऑफर, ऑनलाइन परीक्षा स्वस्त सबसे सस्ता से। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये दसरा निमित्ताने यंदा विविध प्रकारचे भरपूर ऑफर्स ठेवण्यात आले आहेत। लकी ड्रॉ, फ्री डिस्काउंट ऑफर सह कॅशबॅक ऑफर ही, तसेच सर्व कंपनीच्या फायनान्सचीही सोय उपलब्ध। त्याचबरोबर हुमा गिफ्ट मध्ये सर्व नामांकित ब्रँडचे एलईडी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ओव्हन, मिक्सर ग्राइंडर ही मिळतील। हुमा मल्टी ब्रँड शोरूम मध्ये ओप्पो, विवो, वन प्लस, नोकिया, लवा, टेक्नो, रिअलमी या व इतर सर्व कंपनीचे मोबाईल एका छताखाली उपलब्ध। या आणि पहा लाइव्ह डेमो। सर्व सोलापूरकरांनी हुमा गिफ्ट या ठिकाणी भेट देऊन सबसे सस्ता सेलचा लाभ अवश्य घ्यावा। अभी नहीं तो कभी नहीं अशी ऑफर फक्त हुमा गिफ्ट्स मध्येच। तसेच हुमा गिफ्ट्स या शोरूम मध्ये सर्व कंपनीचे ऍक्सेसरीज मिळतील। इयरफोन, नेक बँड, ब्लूटूथ, इयरबड्स, स्मार्ट वॉच, रॅपिंग, डी प्लस ग्लास, स्पीकर आणि सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध। तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड शोरूम, सात रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।